जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं जी एक नई बहुत ही ज़बरदस्त डक हंटिंग वीडियो के साथ। तो शिकार की जो है वीकेंड है, तो आज लोकेशन में हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं जहां पे जो है उम्मीद करते हैं कि फ्लो मुर्गाबी का अच्छा होगा, क्योंकि चांद के साथ जो है ना मूवमेंट होती है डक की। तो अभी चांदनी तकरीबन मेरे ख्याल से इस वीकेंड पर 9 या 10 बनती है डेट। बाकी डिकॉयज़ वगैरह जी हम स्प्रेड कर रहे हैं, तकरीबन 3 दर्जन मेरे पास डिकॉयज़ हैं। बोट भी मेरी ये अपनी बोट है जी, शिकार के लिए मैंने बनवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जी सामने स्प्रेड कर रहे हैं, तो आगे इंशाल्लाह साथ साथ मैं अपडेट आपको करता हूँ जी। जी दोस्तों, तो ये स्प्रेड है जी हमारा, कुछ इधर लगा रहे हैं और कुछ राइट साइड के ऊपर जो है ना स्प्रेड कर रहे हैं। मिक्स हैं इसके अंदर, टील हैं, रेड हेड है और गैड वाला है, बस ये मिक्स डिकॉयज हैं। जी दोस्तों, तो हमने जी कैमोफ्लॉज जो है सूट्स पहन लिए हैं, गिली सूट्स। तो 3 शूटर हैं हम, एक मैंने आज ग्रीन गिली सूट पहना है, पहले मैं वो डेजर्ट कलर वाला जो है पहन के शूटिंग की थी लास्ट टाइम, उसका भी अच्छा रिजल्ट था बहुत। तो आज इसको ट्राई करते हैं क्या ये क्या काम करता है या नहीं। तो इधर दिखा देते हैं जी, इस तरह का हमारा ब्लाइंड है, कोई ख़ास जो है ना ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं लगाया, बस सिंपल जो है थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं और बस सूट्स पहने हुए हैं। तो इंशाल्लाह मेरे मुताबिक जो मुर्गाबी है, जितना आप सिंपल और जो है कम कैमोफ्लॉज होंगे ना जी, उतना वो मुर्गाबी डरती नहीं है। ज़्यादा अगर आप ब्लाइंड बना देते हैं जिसमें ज़्यादा लकड़ी और ज़्यादा पौधे लगा देते हैं, तो उससे और वो थोड़ा सा ना उसको शक पड़ता है। तो कम थोड़ा सा जो है जिस तरह सूट्स हैं, तो ये बेहतरीन चीज़ है। जी दोस्तों, तो अभी तक जो है धूप ज़्यादा है, अभी तक जो है ना कोई माइग्रेशन वाली मुर्गाबी का फ्लॉक हमने देखा नहीं है। तकरीबन 4 गेडवल थी, लेकिन वो डिकॉय उन्होंने नहीं किया, वो काफ़ी दूर थी हमसे, तो वो उधर जाके बैठ गई हैं। शायद उम्मीद है दोपहर के टाइम जो है थोड़ी गर्मी कम होगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर माइग्रेशन वाली मुर्गाबी भी आएगी और ये भी उम्मीद करते हैं आ जाए हमारे पास। मार मार, जी दोस्तों, तो 3 जो है अल्हम्दुलिल्लाह गैडवल हमें मिल गई हैं। शूटिंग बहुत ही बेकार हमारी हुई है, मेरा एक शॉट लग गया था, दूसरा मिस हो गया था, उसके बाद फिर विंग थी तो फिर वो आई है, दोबारा उसको शॉट मारा है तो फिर लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिल गई हैं, अभी टाइम काफ़ी है, उम्मीद करते हैं कि शिकार और भी हमें मिलेगा। सुबह के टाइम भी कुछ ना कुछ चांसेस काफ़ी हैं कि अब माइग्रेशन हो रही है, दो एक फ्लॉक्स और भी मैंने देखे हैं, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी जी। ये जी तो सही, एक टील मिली है जी, फायर तीनों ने की, पता नहीं अब किसका शॉट लगा है, लेकिन यह है कि एक टील हमें मिल गई है जी। जी दोस्तों, तो तकरीबन अंधेरा होने वाला है, शाम का टाइम हो गया है, तो आज जो है दोपहर के टाइम तकरीबन हमें 4 मुर्गाबी मिली थी। एक ये नहीं 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 खैर बंद कर क्या। शाम का टाइम हो गया जी, अंधेरा होने वाला है, अब डिकॉयज़ वगैरह निकालेंगे क्योंकि अब उम्मीद है इंशाल्लाह सुबह के टाइम हमें अच्छा शिकार मिल जाए, उम्मीद अच्छी करनी चाहिए। बाकी 4 हमें मुर्गाबी मिली थी, 3 गैडवल थी और 1 टील थी, तो मेरे मुताबिक ठीक है, जितना मुर्गाबी की जो मूवमेंट थी ना उसके मुताबिक तो ठीक था, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है आज मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सुबह के टाइम हमें अच्छा शिकार मिल जाए। तो डिकॉय जी इकट्ठे करते हैं, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह चार हमें एक ही फ्लॉक में मिल गई थी। ये मेरे ख्याल से रेड हेड है अभी तक, इसमें फुल कलर आए नहीं है तो इसलिए बताना मुश्किल हो रहा है। आप दोस्त भी देख लीजिएगा, फ़ोटो मैं दे दूंगा कि ये कौन सा है। तो चार इसमें मिल गई हैं इंशाल्लाह, और भी उम्मीद करते हैं कि अभी टाइम काफ़ी है और भी इंशाल्लाह हमें शॉट्स अच्छे मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टील बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है। ये जी एक फ्लॉक और हमारे पास आया था, तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह टील हमें जो है मिल गई थी। तो ठीक है जी, आगे उम्मीद करते हैं, अभी टाइम है, उम्मीद है इंशाल्लाह आज मूवमेंट ठीक है जी। जी दोस्तों, तो ये जी एक पिन टेल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा शॉट हमें मिल गया। लेकिन ये थोड़ा सा ना, मैंने शॉट मारा काफ़ी दूर था मुझसे, तो ये विंग हो गई थी, तो हमें फिर दूसरी साइड से ना बोट लेकर आए हैं, तो फिर उसको दूसरा शॉट मार के फिर वो हमने ना इसको पकड़े, वरना ये ज़ाया हो जाती। तो हमेशा कोशिश किया करें कि कोई भी परिंदा वो ज़ाया ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज का शिकार बहुत ही ज़बरदस्त रहा। ये हंटिंग ट्रिप था हमारा और काफ़ी जो है मेरे मुताबिक अच्छा स्कोर था ना, तो हमारे पास कोई सेमी ऑटो रिपीटर थे, डबल बैरल्स ही थी हमारे पास, तो स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह 14 हमने मारी हैं जी, जिसमें एक हमें पिनटेल मिली है, चार रेड हेड, तीन गैडवल और बाकी टील हैं, तो टोटल 14 स्कोर है। मेरे मुताबिक तो बेहतर स्कोर है, काफ़ी मिसेस भी आज हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये इट्स पार्ट ऑफ द गेम का, मिस भी हो जाते हैं, ये नहीं है कि हर शॉट आपका लगे। दूसरा मूवमेंट है एक मुर्गाबी की, मेरे मुताबिक काफ़ी बेहतर थी, और आने वाले और चंद रोज़ में ना और भी ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। इसलिए चैनल को हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत इस काम में हमारी बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम मैन एफर्ट लगती है, तो लाइक आप हमारी वीडियोज़ को ज़रूर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।